हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर एनलिमिटेड स्टडीजों सो प्यारे बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा है जो है एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे हम ऑसिलेशन के नाम से भी पढ़ते हैं और इसमें आज के टॉपिक में दोस्तों हम कवर करने जा रहे हैं एक स्पेशल कैटेगरी का हार्मोनिक मोशन जिसका नाम है स्प्रिंग मोशन क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग स्प्रिंग मोशन हालांकि मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी में थोड़ा सा स्प्रिंग मोशन मैंने आपको पढ़ाया था वो यहाँ पर ही इस, इस्तेमाल होगा अब स्प्रिंग मोशन को समझने के लिए आप पहले एक स्प्रिंग कंसिडर करो ये देखिए ये आपके पास में एक स्प्रिंग है ये आपके पास में एक नॉर्मल स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग जो है बिना वेट के यहां तक खिंची हुई है इसको बोलते हैं इसकी इक्विलिब्रियम लेंथ क्या बोलते हैं बच्चों इसकी इक्विलिब्रियम लेंथ ये जो है यहां पर इसकी मीन पोजीशन है सो सपोज दिस इज एक्स इक्वल टू जीरो ये आपकी मेन पोजीशन है अगर आप इस स्प्रिंग में लोड लगा देते हैं और इसको आप नीचे तक खींचते हैं तो यह वाइब्रेटरी मोशन करेगी ओके सो so, ये देखिए इसमें एलोंगेशन प्रेजेंट हो जाएगा यह लंबी हो जाएगी स्प्रिंग जैसे इसमें वाइब्रेशन होना होगा ये देखिए मान लीजिए कि एक्सट्रीम पोजिशन पे जाती है ये लोड लगाने के बाद ओके यदि एम मास है तो इस पर कितना वेट लगेगा एम कितना वेट लगेगा बच्चों एम जी एम जी वेट लगेगा डाउनवर्ड एम जी वेट क्या लगेगा डाउनवर्ड तो देखिए यहाँ से ये जो एलोंगेशन है इसका मैक्सिमम एलोंगेशन प्रोड्यूस हो गया है प्लस ए सो so, जो इसका एम्प्लीट्यूड जनरेट हो रहा है वो पॉजिटिव ए एम्पलीट्यूड जनरेट हो रहा है कितना एम्पलीट्यूड जनरेट हो रहा है पॉजिटिव ए अब देखिए ड्यू टू इनर्शिया ये वापस आएगी स्प्रिंग फोर्स के कारण इस पर नीचे की तरफ लग रहा है इस पर इस फोर्स इस पर जो वेट है नीचे की ओर लग रहा है और इसका एलोंगेशन कहाँ की तरफ हो रहा है नीचे की तरफ एलोंगेशन यहाँ नीचे की तरफ हो रहा है तो आपको पता है कि स्प्रिंग में एक लॉ होता है कि एफ इज प्रपोर्शनल टू माइनस एक्स याद आ गया आप लोग को कि फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है जितना स्प्रिंग खिंचती है उसी के डायरेक्टली प्रपोर्शनल जो होता है फोर्स होता है और जो फोर्स लगता है वो स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और उस फोर्स को हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स क्या बोलते हैं उसको हम तो बच्चों यहाँ पर एक स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा जिसको आप ऊपर की तरफ काम कर रहा है मतलब मोशन के अपोजिट तो आप इसको रीस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हो ये एक टाइप का रीस्टोरिंग फोर्स है और रीस्टोरिंग फोर्स जो हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जिसके कारण स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन को रिटेन करना चाहेगी ओके okay, मतलब मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लगता है और यही एस एच एम बनाता है आइए देखते हैं फिर क्या होगा तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं आप लोग को याद होगा एफ एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स कुछ याद आया आप लोग को ये था स्प्रिंग लॉ क्या था ये स्प्रिंग लॉ यहां पर के को बोलते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट चलिए देखते हैं अब ये स्प्रिंग वापस आएगी इसके क्या हाल हो जाएंगे ये देखिए जब ये वापस आएगी तो स्प्रिंग एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी सिकुड़ जाएगी ओके okay? और ये जो मास है इसका यहां पर आ जाएगा इस तरीके से तो ये देखिए मीन पोजीशन से इसका एम्पलीट्यूड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा तो इस बार आप इसको ऊपर की तरफ जा रही है तो इसको आप सपोज कर सकते हैं माइनस ए क्या कह सकते हैं माइनस ए तो जो स्प्रिंग है एस करने लगेगी ये इसकी मीन पोजिशन है एक्स इक्वल ऊपर बन गया माइनस ए और नीचे जाएगा कितना प्लस ए इस तरीके से स्प्रिंग वाइब्रेट होने लग जाएगी टू एंड फ्रो और ये आपको एस परफॉर्म करेगी क्या परफॉर्म करेगी एस एच एम मीन सिंपल हॉर्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी अब बच्चों ये सीखने की बात है कि स्प्रिंग जो एस एच एम कर रही है इसका एक टाइम पीरियड कितने का है इसका जो टी है वो कितने का है ठीक है ना आपने कल लास्ट क्लास में क्या देखा आपने देखा कि मैंने जितने भी दुनिया के एस एच एम होते हैं मैंने उन सब का आपको बताया निकाल करके टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट वाई अपॉन एक्सेलरेशन ए ये था दुनिया के किसी भी प्रकार के एस एच एम का एक जनरल एक्सप्रेशन टाइम पीरियड का जनरल एक्सप्रेशन बट अब हमको पढ़ना है स्प्रिंग के लिए किसके लिए पढ़ना है स्प्रिंग के लिए तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है आज का टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग ठीक है ना टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मोशन तो हेडिंग बना लेते हैं बच्चों सभी लोग हम अपनी अपनी कॉपी में टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग एस एच एम ठीक है स्प्रिंग के एस एच एम का टाइम पीरियड तो वही थोड़ी सी थ्योरी हम लोग लिखते हैं जैसे कि हर बार हम लोग को लिखना पड़ता है स्प्रिंग के एस एच एम के लिए थ्योरी लिखा करते हैं क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में आइए देख लेते हैं ये क्वेश्चन दिया गया आपके सामने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है मास एम इज सस्पेंडेड बाय एन आइडियल स्प्रिंग आइडियल स्प्रिंग इज ऑसिलेट अप एंड डाउन इफ द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज ये देखिए भाई इसने खुद ही फोर्स कांस्टेंट के दे दिया मतलब ये कांस्टेंट होता है क्या होता है के का मतलब कांस्टेंट के की वैल्यू जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट फाइव ऐसा कुछ बता देता है के जितना ज्यादा होता है स्प्रिंग उतनी रिजिड होती है उतनी कड़ी होती है और के अगर मुलायम होता कम होता है तो स्प्रिंग उतनी सॉफ्ट होती है आपने अपने पेन की स्प्रिंग देखी होगी छट्टपिटर रेनाल्ड्स के पेन देखें आपने किटकिट -किट वाले उनकी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की बहुत कम रहता है उनकी स्प्रिंग बड़ी मुलायम होती है क्या होती बहुत मुलायम।, मुलायम आपके हाथ से भी दब जाती है ये सो नो बट आपकी गाड़ी का जो साइड स्टैंड होता है गाड़ी का जो साइड स्टैंड होता है जिसपे गाड़ी टिकाते हैं आप लोग है ना इस तरीके से देखिएगा यहाँ पे कोई एक बड़ा सा स्क्रू रहता है और यहाँ पर एक ऐसे नीचे से यहाँ पे खिंची रहती है और इससे लग करके यहाँ पर स्प्रिंग तान दी जाती है तान दी जाती है तो यदि उस स्प्रिंग को आप कभी दबाने की कोशिश करिएगा बिल्कुल नहीं दब पाएगी समझ गया ना आप खूब बड़े वाले वीर भी हों फिर भी उस स्प्रिंग को आप दबा नहीं पाएंगे और खींच भी नहीं पाएंगे समझ गए ना yes. क्योंकि उस पर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बहुत जबरदस्त होता है बहुत हाई yes, और के जब ज्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टिफ क्या बोलते हैं स्टिफ मतलब बहुत तगड़ा कड़ा ठीक है चलिए तो टी देन प्रूव दैट टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर उट एम बाई के बच्चों हमको टाइम पीरियड शो करना है टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर उट एम बाई के ये लेकर के आना है जी बताइए सर साइकिल का जो शॉकअप होता है वो भी उस का मतलब कड़ा रहेगा देखिए 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 साइकिल के शॉक के शॉकअप की जो आप बात कर रहे हैं साइकिल का जो शॉकअप होता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम पर काम करता है मैं आपको बता दूं पास्कल थ्योरी पर वो प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है किस पे क्या कर देता है इक्वली और कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फूड पर वो काम करता है किस पर काम करता है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लू पर और यदि स्प्रिंग शॉकअप है तो कंप्रेस वो स्प्रिंग सिद्धांत पे ही काम करेगा दोनों प्रकार के शॉकअब आते हैं है ना एक स्प्रिंग वाले भी आते हैं और आजकल तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में एयर सस्पेंशन लगता है क्या लगता है अगर आप वोल्वो बस में ट्रेवल करके जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप सोएंगे है ना आप बैठेंगे कभी बोलबो बस में बोलबो बस चलती है मैं आपको बता दूं भोपाल जाइए और अपना ओम जाने वाला है भोपाल अगले साल तो ओम यकीनन ट्रिप करेगा भोपाल से लेकर के पुणे भोपाल से लेकर के पुणे ये बहुत दूर है भोपाल से लेकर के पुणे इवन ट्रेन चलती है भोपाल से पुणे की समझ गए करीब मान के चलिए बारह तेरह घंटा का रास्ता होगा कितने घंटे का बारह तेरह घंटे का रास्ता होगा आपको यहाँ पे हाईवे रोड मिलेगा ओके okay, अहमदाबाद बॉम्बे रोड ए बी रोड कहते हैं उसे अहमदाबाद बॉम्बे रोड है वहां पे जिसको ए बी रोड है जो कि अहमदाबाद को बॉम्बे से जोड़ता है जो कि मध्य प्रदेश से होके निकलता है तो ये एक हाईवे है ठीक ना बहुत बड़े बड़ा, बड़ा हाईवे है इसमें ये बस चलेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा आप रात को आठ बजे इसमें नींद मारेंगे और सुबह आपको सात बजे आठ बजे नौ बजे जो है पुणे पहुँच जाएगी आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा क्योंकि इसमें एयर सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है किसका यूज़ किया जाता है तो जितने भी झटके आते हैं ना वो एयर कंप्रेस होकर के उन झटकों को संभाल लेती है क्या कर लेती है उन एयर कंप्रेस होकर उन झटकों को संभाल लेती है और एयर की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है अब आपकी साइकिल में आपको झटका तो लगेगा आपकी साइकिल में आपको झटका लगेगा क्योंकि साइकिल में ज्यादा से ज्यादा कंप्रेशन होगा या तो शॉकअप्स का होगा तो स्प्रिंग वाले होते हैं उसमें शॉकअप्स गाड़ियों में थोड़ा कम लगता है टू व्हीलर में आपने देखे होंगे उनमें ऑयल भरा रहता है शॉकअप्स में है ना उनमें थोड़े से फ्लूड सस्पेंशन भी होता है या स्प्रिंग सस्पेंशन होता है बट जिनमें सस्पेंशन नहीं होता उनमें बैठना बड़ा रिस्की रहता है जैसे जो लोग स्केट्स चलाते हैं चक्के पहन करके पाँव में देखे ना अपने स्केटिंग हाँ स्केटिंग शूज चलाते हैं भाई साहब उनको गड्ढों से बहुत बचना चाहिए अगर तगड़े गड्ढे आ गए भाई साहब तो ये आपको रिलैक्स नहीं दे पाएगा सीधा सीधा जर्क आपके पाँव में पहुँचेगा कहाँ पैरों में पहुँचेगा समझ में आ गया ना क्योंकि इसमें किसी प्रकार का सस्पेंशन नहीं होता है इसमें किसी प्रकार का सस्पेंशन नहीं होता आगे बात समझ में आपको तो यहाँ पे जी बोलिए तो नहीं।, नहीं बिल्कुल दबेगा थोड़ा सा दबेगा एक लिमिट तक दबेगा हाँ। समझ गए ना और स्प्रिंग फोर्स बिल्कुल बिल्कुल दबाती क्यों नहीं दबता बिल्कुल दबता साइकिल का साइकिल के मतलब झटके से हाँ हाँ नहीं साइकिल के सॉपअप को आप हाथ से नहीं दबा सकते इतना मजबूत तो होता है कि आपकी पूरी बॉडी के वेट के लिए साइकिल के वेट के लिए उसको बनाया जाता है आपके हाथ से नहीं दबेगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा अब अगला टॉपिक है यहाँ पे क्वेश्चन मास सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग इट इज पुल डाउनवर्ड एंड देन लेफ्ट मतलब वही कांड हो रहा है यहाँ पर कि एक मास है इसमें लटका हुआ है और इसको यहाँ पर आपने खींच दिया है समझ गए ना फील्टिंग टोंग टिंग टोंग ऊपर नीचे होगा कैरफ एक्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन फाइंड करें आइए स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे हम लोग यहाँ पे लटा स्प्रिंग इज सस्पेंडेड बाई ए रिजिट सपोर्ट एंड मास एम इज सस्पेंडेड एट इट लोअर एंड मतलब एक रिजिट सपोर्ट है ये नहीं कि लटकाया और ऊपर की छति टूट करके गिर गई उसके ऊपर है ना तो स्प्रिंग को एक रिजिट सपोर्ट से लटका रखा है और ये स्प्रिंग जो है सस्पेंडेड एट सट्स लोअर एंड इसके लोअर एंड में एक मास हमने लटका दिया है बोली क्लियर है यहाँ पे अब इसके आगे की वर्किंग में आपको खुद से करके बता देता हूं कि इसके आगे की वर्किंग क्या है चलिए तो मैंने स्प्रिंग को एक यहां पे ले ली मैंने स्प्रिंग ये सीधी सादी स्प्रिंग थी ओके और इस सीधी सादी स्प्रिंग को मैंने यहां पर एक मास से लटका दिया ये एम मास है जैसे मैं मास से लटकाता हूं तो स्प्रिंग की अपरेंट पोजीशन खिंच करके स्प्रिंग यूं हो जाती है भाई साहब मास इधर पे आ चुका है ओके okay? तो यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है स्मॉल वाई कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है स्मॉल वाई यहां पर स्मॉल वाई इसका डिस्प्लेसमेंट है अब आपको पता है कि स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हुआ है मतलब इस पर स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ ओके सो इफ इट इज डिस्प्लेस डाउनवर्ड बाय ए डिस्टेंस वाई एंड लेफ्ट और इसको छोड़ दिया जाता है तो जो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के वाई बोलिए क्लियर है ना जी बताइए जैसे स्प्रिंग नीचे की ओर खींचेगा जी तो फोर्स भी नीचे की ओर लगना चाहिए। देखिए, देखिए आपने स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहा हूँ स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा जबकि वेट फोर्स नीचे लगेगा वेट फोर्स के कारण ये नीचे आई है बोलिए सोनू वेट फोर्स कितना एम जी ये बात आपके आने के पहले हो गई है तो एम जी के कारण ये नीचे आएगी मगर रिस्टोरिंग होता है जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो आपको भी तो पीछे खींचती है ना हाँ, खींचती है तो वो फोर्स पीछे की ओर लगेगा उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स तो स्प्रिंग फोर्स कितना होता है आपको पढ़ाया गया था वर्क पावर एनर्जी में माइनस के वाई कितना होगा बच्चों रूल ये था एफ इज इक्वल टू माइनस के इन टू डिसमेंट डिसप्लेसमेंट एक्स होता था फिलहाल यहाँ वाई लिया है तो माइनस के वाई इसको नंबर वन दे करके चैन से बैठ जाइए के यहाँ पे कहलाता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के को क्या बोलते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट जो कि बताता है कि स्प्रिंग मुलायम है या हार्ड है चलिए अब न्यूटन साहब को याद करते हैं तो न्यूटन साहब का लॉ कहता है एफ इक्वल टू एम ए क्या कहता है एफ इक्वल टू एम ए तो चलिए नंबर टू दे दीजिए और दोनों को कंपेयर कर दीजिए तो एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के वाई एम इज इक्वल्स टू माइनस के वाई ठीक है ना एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के वाई यहाँ से ए निकल जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस के अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई वाई ठीक है ना इसको इक्वेशन नंबर ए दे दीजिए काम का बहुत इक्वेशन है ठीक है अब आपको याद होगा मैंने आपको एस एच एम में पढ़ाया था कि भैया जो एस एच एम होती है उसकी पहचान क्या होती है एस एच एम में जो यानी एक्सल्रेशन निकलवाया था वो था अभी आपने ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसको पढ़े हुए एक ही दिन छोड़े हुए माइनस ओमेगा स्क्वायर याद आ गया आप लोग को यदि याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है मैंने एक्सलेशन निकलवाया था एक्सलेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई क्लियर है इसको बी ले लीजिए अब इसके ये भी एक्सेलेशन है ये भी एक्सेलेशन है ये एक्सलेशन जो है एस एच एम की भाषा में है और ये जो एक्सलेशन है ये स्प्रिंग की भाषा में है तो दोनों एक्सलेशन तो बराबर होंगे ना क्योंकि स्प्रिंग ही एस एच एम कर रही है तो मतलब ये एक्सलेशन और ये एक्सलेशन बराबर कर दीजिए सो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई वाई बोलिए ठीक है बच्चों yes, अब यहाँ से माइनस से माइनस उड़ा दीजिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया वाई से वाई उड़ा दीजिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया बोलिए के अपॉन एम यस बहुत बढ़िया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन एम तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम के बाई एम याद रखिएगा एम स्प्रिंग का मास नहीं है एम वो मास है जिसको आपने लटकाया है समझ गए ना जिसको आपने सस्पेंड किया है एम जो है उसका मास है जो आपने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मास ऑफ जो है आपने उसमें सस्पेंड किया है ठीक है ना मास ऑफ ऑब्जेक्ट और लटकाने को इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंडेड क्या बोलते हैं भाई साहब सस्पेंडेड के बाई एम अब बच्चों आपको याद होगा ओमेगा इज इक्वल टू होता है टू पाई बाई टी ओमेगा इज इक्वल टू होता है कितना टू पाई बाई

t इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम बाई के दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग एस एच एम ठीक है एक पार्टिकल जिसके स्प्रिंग जिसके ऊपर एम मास लटकाया गया है वो एस एच एम करने का तरीका ये है फिर से बोलूंगा टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर उट एम अपॉन के अब बच्चों एक बहुत मस्त बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप कभी स्पेस में जा रहे हैं अगर आप कभी किस में जा रहे हैं स्पेस में तो आपको यही वाली स्प्रिंग क्लॉक लेके जाना चाहिए कौन सी क्लॉक लेके जाना चाहिए हाँ स्प्रिंग क्लॉक में ग्रेविटी का टर्म कहीं नहीं आ रहा है इसलिए स्प्रिंग इस क्लॉक वहाँ पर बड़ी मस्त चलती है समझ में या तो डिजिटल क्लॉक लेके जाइए समझ गए ना तो डिजिटल क्लॉक को तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा केमिकल रिएक्शन से वो एसोसिएटेड होती है और या तो स्प्रिंग क्लॉक लेके जाइए तो वहीं टाइम पीरियड बिल्कुल सही बताएगी स्प्रिंग क्लॉक टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम बाई के अब इसकी फ्रिक्वेंसी निकाल देते हैं तो आप लोग को सबको पता है कि फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू होता है कितना वन अपॉन टी तो पलट देते हैं तो टी की जगह कर दूंगा तो मैंने पलट दिया इसको तो ये बन गया वन टू पाई, क्योंकि पाई के नीचे वन था, तो पलट दिया अंडर रूट के बाई एम अंडर रूट के बाई वन अपॉन टी को मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन आपके सामने है अपॉन एम बोलो मजा आ गया समझ में आ गया सभी को जी तो ये है हमारा फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन जो कि हमने स्प्रिंग मोशन की फ्रीक्वेंसी पढ़ ली है और हमने स्प्रिंग मोशन का टाइम पीरियड भी निकाल लिया है याद रखिएगा अगर टाइम पीरियड बोला जाए तो टू पाई अंडर रूट एम बाई के है टू पाई अंडर रूट एम बाई के और फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो वन अपॉन टू पाई अंडर रूट के अपॉन एम के अपॉन एम क्लियर हो गया यस तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सही टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम बाई के आ चुका है हमारा टाइम पीरियड डन अब बच्चों बहुत ही स्पेशल चीज है हमारे लिए एस एच एम ऑफ सिंपल पेंडुलम ठीक है ना तो अगला टॉपिक बनाइए सिंपल हार्मोनिक टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम या हम देखेंगे सिंपल पेंडुलम का एस एच एम एस एच एम ऑफ सिंपल पेंडुलम ठीक है सिंपल पेंडुलम अब भैया दिक्कत यह कि पेंडुलम वाली घड़ियां अब चलना बंद हो गई हैं अब पुरानी पिक्चरें वगैरह अभी कभी कभी आप देख लेते होते तो उसमें उसमें भूत ऊत वाली पिक्चर में टोंग रात के दो बजे बज जाता था लोग बिल्कुल हाँ बारह बजे बारह बजते थे, थे फिर दो बजे दो ठो बज जाते दो दो टोंग टोंग है ना बड़ी दहशत हो जाती थी बिल्कुल ठीक है ना तो पेंडुलम वाली क्लॉक में क्या सिस्टम उसमें एक पेंडुलम सस्पेंडेड रहता था ऊपर ऐसी घड़ी रहती थी समझ गए जी ऊपर एक घड़ी रहती थी और नीचे यहाँ पर एक सिस्टम लगा रहता था जिस है न हाँ बिल्कुल सही ठीक है ना तो ये जो है ये बड़ा विचित्र टाइप से मोशन किया करता रहता है ठीक ना इस तरह से टिंग टोंग यहाँ जाए फिर यहाँ आए वापस आए समझ गए ना हाँ तो इसको हम लोग बोलते थे पेंडुलम क्लॉक इसको हम लोग बोलते थे पेंडुलम क्लॉक अब ये तो खैर पेंडुलम क्लॉक तो हाँ ठीक है अब तो ये एंटीक पीस हो गए बिल्कुल सही कहना है तो अब हमको इस पेंडुलम क्लॉक का हमको चाहिए है टाइम पीरियड तो पेंडुलम क्लॉक को टाइम पीरियड को समझने के पहले सबसे पहले हमें इसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कंसेप्ट में होता क्या है कि इसमें एक रिजिड सपोर्ट होता है और रिजिड सपोर्ट में एक मासलेस यानी कि एक बिना वेट की डोरी बिना मास की डोरी के साथ एक पेंडुलम लटका दिया जाता है ठीक है ना ये पेंडुलम बिल्कुल सिंपल एक लोहे की बॉल है आयरन की बॉल ठीक ना इसी को बॉब बोलते हैं ठीक है जी और आप यहां से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे करके मतलब एंगल एकदम छोटा सा होगा दस डिग्री पंद्रह डिग्री बारह डिग्री ऐसा ये नहीं कि आपने हाथ से पकड़ करके इसको बिल्कुल ही ऊपर ले गए ऐसा नहीं पेंडुलम बनेगा फिर फिर उसमें आपकी एस एच एम की कंडीशन नहीं लगेगी उसमें एस एच एम की कंडीशन नहीं लगेगी आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया ये देखिए यहाँ पेंडम की लेंथ एल है तो ये भी कितनी होगी एल।, एल क्योंकि यहाँ पर डोरी एल लेंथ की है तो यहाँ पर भी डोरी एल लेंथ की होगी अब ये भाई साहब यहाँ पर ये यह लग रहा है एम जी क्या लग रहा है ये नीचे एम जी और ऊपर लग रहा है टेंशन क्या लग रहा है टेंशन यस और नो अब देखिए यहाँ पर जो है अब ये क्या हो रहा है अब अब यहां पे मेन प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं यहां पे ध्यान दीजिएगा एम कहता भैया मैं तो नीचे ही लगूंगा ठीक है ना क्यों नीचे लगेगा क्योंकि धरती माता नीचे बुलाती है मेरी भाषा में बोलो आ गया समझ में ना क्योंकि ग्राउंड तो भैया नीचे ही होता है तो एमजी तो डायरेक्टली डाउनवर्ड लगता है लगता है कि नहीं लगता है अब इस चक्कर में हुआ क्या ये देखिए ये कुछ आपको दिखा देखा अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा थीटा तो एम जी का एक कंपोनेंट टूट गया एम जी कॉस थीटा एम जी कॉस थीटा जो इसको टेंशन प्रोवाइड करेगा क्या प्रोवाइड करेगा मतलब मैंने इस एम जी और एक कंपोनेंट ये है भाई साहब इसका और ये कंपोनेंट बनेगा एम जी साइन थीटा क्या बनेगा जो इसको वापस लाने की कोशिश करेगा जो इसका रिस्टोरिंग फोर्स होगा क्या बनेगा इसका रिस्टोरिंग फोर्स इसको लाने का प्रयास करेगा मतलब कुल मिला के आपने जो एम था आपका एम को आपने गायब कर दिया और एम के दो कंपोनेंट आपने दिखा दिए कि एम को को भूल जाओ अब एम की जगह दो लोग काम कर रहे हैं एक बन गया एम जी साइन थीटा और एक बन गया एम जी थी थीटा ठीक है ना तो एम जी कॉस् थीटा टेंशन को बैलेंस करेगा और ये आपका जो होगा ये रिस्टोरिंग फोर्स आपको प्रोवाइड करेगा ठीक है तो टेंशन एक्सप्लेन अरे भाई टेंशन को क्या एक्सप्लेन करना अगर आपके पास कोई रस्सी है आप इस पर लटक जाओगे बोलो है ना 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 ये ये पकड़ पकड़ करके करके आप आप भाई साहब लटक लटक गए गए ठीक ठीक इसको हैं तो आपका नीचे क्या एक्ट करेगा वेट एक्ट करेगा एम जी बोलिए हाँ ना और ऊपर क्या एक्ट करेगा उस पर टेंशन टेंशन हमेशा बॉडी से दूर की तरफ लगती है तो ये तो पढ़ा होगा ना टी इक्वल टू एम जी टीवल टू एम जी रस्सी पे तनाव आएगा कि नहीं आएगा रस्सी पे तनाव आएगा रस्सी खिंच जाएगी एकदम तो उसी तनाव को तो टेंशन बोलते हैं क्लियर हो गया चलिए तो अब इसकी थ्योरी पढ़ा देता हूं मैं जिससे कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ये देखिए लिखा है क्वेश्चन अपने पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रूव दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एसएचएम पहले प्रूफ करिए कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो क्या होता है बट एक डिस्क्लेमर है याद रहे कि अंडर स्मॉल एम्पलीट्यूड वेन इज स्मॉल लिख दिया भाई साहब ने वे एम्पलीट्यूड इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडलम सिंपल पंडलम के टाइम पीरियड के लिए डेरिवेशन करिए आइए वही सारी बातें हैं सपोज दैट एम इज द मास ऑफ द बॉब एंड एल इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडलम एस इज अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये देखो भैया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जहां से लटका हुआ है है ना और ओ इज द मेन पोजीशन ये भैया ओ मीन पोजीशन थी मेरी भाषा में ये थी ओ मेन पोजीशन ये लो भाई लाल पेन से ओ बोलो ठीक है टू डू 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 ये देखिए तो पेंडुलम जो है मूव करते हुए यहां से यहां तक चला गया है ठीक है भाई प्रियांश ठीक है ओ इज द मेन पोजीशन मीन पोजीशन ऑफ द बॉब सपोज एट एनी इंस्टेंट सपोज एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग ऑसिलेशन द बॉब इज इन पोजिशन पी ये लो भाई इसको मैंने डुला दिया क्या कर दिया देखो हिला नहीं दिया डुला दिया हिलाने और डुलाने में फर्क होता है आप समझना हिलाने मतलब जबरदस्ती पकड़ के खूब जोर से हिला देना बोलो हाँ ना और डुलाना मतलब ऐसे करके छोड़ दिया बड़ा प्यारा सा एंगल छोटा सा एंगल समझ गए ना तो ये डुल गया डुला दिया आपने छोटे से एंगल से तो ये ओ से चल करके कहाँ पर पहुँच गया भाई साहब पी पर कहाँ पर पहुँच गया पी पर छोटा सा एंगल है थीटा इज़ वेरी स्मॉल लिख देता हूँ डुलाना मतलब थीटा इज़ वेरी स्मॉल बोलो जी हाँ ना थीटा इज़ वेरी स्मॉल अब मेरी पहली क्लास की फिजिक्स आपको याद आई होगी अगर थीटा, थीटा स्मॉल होता है प्यारे बच्चों तो थीटा थीटा इज नियर अबाउट टू कुछ याद आया अप्रॉक्सीमेशन करते हैं साइन थीटा इज नियर अबाउट टू थीटा।, थीटा और साथ ही साथ टेन थीटा इज ऑल्सो नियर अबाउट टू थीटा एंड बस कॉस्ट थीटा इज नियर अबाउट टू वन याद रखिएगा अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा थीटा की तरफ भागता है टेन थीटा थीटा की तरफ भागता है और कॉस्ट थीटा किसकी तरफ भागता है वन की तरफ चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसमें यस बॉबिन पोजीशन पी द डिस्प्लेसमेंट ओ पी इज इक्वल्स टू वाई जो डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया है ओ पी इज इक्वल टू कितना वाई अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट ओ से लेके पी तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अब ये छोटा डिस्प्लेसमेंट है आप तो बोलोगे सर इसको स्ट्रेट इस लाइन लो ना तो इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए चाहे आप ऐसे देख लो और चाहे आप ऐसे देख लो लगभग लगभग क्या है बराबर है दिख रहा है भाई ऐसे जाएगा तो झूला झूलते हुए जाएगा ना देखो ये ग्रीन कलर ये येल्लो कलर वाला बोले ये नो ये देख रहा है येलो कलर वाला ये झूला झूलते जाएगा बट अब यदि डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो ये लगभग ऑलमोस्ट क्या है बराबर इसीलिए आपको एंगल बिल्कुल छोटा लेना है जिससे कि ज़्यादा बड़ा स्विंग ना बने और आपका डिस्प्लेसमेंट बराबर हो तो ये जो ये डिस्प्लेसमेंट है इसको आपने क्या मान लिया वाई क्या मान लिया बच्चों वाई बोलो क्लियर है तो ये डिस्प्लेसमेंट आपने वाई मान लिया बहुत अच्छी बात है ये डिस्प्लेसमेंट ओ पी इक्वल टू वाई तो मैं लिख देता हूँ भाई साहब ओ पी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्मॉल वाई क्लियर है दिस पॉइंट इज ओ दिस पॉइंट इज पी ये डिसप्लेसमेंट अपने पास में वाई है बहुत बढ़िया नैंड एंगल ओ एस पी इक्वल टू थीटा यह तो मैंने बता ही दी आपको एंगल ओ एस पी एंगल ओ एस पी एस मतलब सस्पेंसन पॉइंट ये देखो भाई साहब ये है सस्पेंसन पॉइंट एस एंगल ओ एस पी इक्वल टू थीटा क्लियर बच्चों एंगल ओ एस पी इक्वल टू थीटा इन दिस पोजिशन ऑफ द बॉब द फोर्सिस एक्टेड अपॉन नंबर वन टेंश टी इन द्रेड वर्टिकली टेंशन टी एक्ट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ पी एस बोलिए करेगा ना पी एस थ्रेड धागे के ऊपर टेंशन लगेगा द वेट ऑफ द बॉब एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड ये लीजिए भाई साहब मैंने आपको वेट ऑफ द बॉब एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड बताया था क्लियर ओके द एम जी कैन बी रिजॉल्व इंटू टू कंपोनेंट अब एम जी की कहानी खत्म करने के लिए इसके दो हिस्सेदार बनाने पड़ेंगे क्योंकि आपको याद होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नाम की चीज मैंने आपको एक पढ़ाई थी बोलिए हाँ है ना कि अगर कहीं पर आर लगता है तो आर को खत्म करने के लिए दो प्राणी आ जाते हैं एक आर कॉस थीटा और एक आर साइन थीटा तो यहाँ पे भी एक आ गया एम जी कॉस थीटा एक आ गया एम जी साइन थीटा आप सवाल करेंगे सर ये वाला एंगल इसके बराबर क्यों हो गया होगा तो आपने पढ़ा होगा पैरल लाइन में जो ट्रांसवर्सल आता है वो इक्वल एंगल पर तोड़ता है तो ध्यान से देख लीजिए ये एक लाइन है और एम की एक लाइन है तो यू यू अब ये कट गया तो बोलो ये एंगल थीटा तो ये भी कितना होगा

टेंशन कोशिश करेगा मतलब मेन पोजिशन दट दिस इज नोन द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द बॉब दस द री स्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब इज गिवन बाई एफ इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा बोलिए क्योंकि भाई बैक साइड में काम कर रहा है तो एफ इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा वी आर निगेटिव शाइन सोस दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन विच डिसमेंट इंक्रीजेस कह रहा है कि जो निगेटिव साइन है वो सोस कर रहा है कि जो आपका फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट की अगर डिस्प्लेसमेंट टांगे जाएगी तो फोर्स कहाँ जाएगा पीछे की हो जाएगा टूवर्ड्स द मेन पोजिशन वो मतलब ये पीछे की तरफ लग रहा है ठीक है अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट याद रखिएगा पाँच डिग्री से लेकर के पाँच डिग्री के आसपास होना चाहिए समझ में आ गया ना द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होना चाहिए मतलब साइंथ ये मैंने बताई कंडीशन अभी आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होने के लिए क्या बताया मैंने साइन थीटा इज नियर अबाउट टू थीटा बोलिए यसोनो अब आ जाता हूं मैं सीधे सीधे डेरिवेशन पे क्योंकि डेरिवेशन आपको समझ में आना चाहिए आइए फॉर्मूला लगाते हैं तो आपने देखा कि जीरो रिस्टोरिंग फोर्स आया है वो आया है माइनस एम जी साइन थीटा कहिए या सोनो और आपने पढ़ा है कि साइन थीटा इज नियर अबाउट टू कितना थीटा साइन थीटा इज नियर अबाउट टू थीटा फॉर ए स्मॉल एंगल फॉर ए स्मॉल एंगल थीटा इज नियर अबाउट टू थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हाँ ना थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा सो यहां पे आ गया मेरे पास एम जी ओके साइन थीटा की जगह आप यहाँ पे थीटा या टेन थीटा ले लें चलिए टेन थीटा ले लेता ले हूँ क्या ले लिया अपन ने tan थीटा f इज इक्वल्स टू एम जी टेन थीटा एफ इज इक्वल्स टू माइनस एम जी थीटा अब वो ट्रायंगल जो ऊपर बना हुआ है उसमें tan थीटा में आइए आपको सब दिख जाएगा ये देखिए जो tan ट्रायंगल आपका बना हुआ है वो tan थीटा में आइए ये देखिए आपको सब कुछ दिख जाएगा या थीटा में ही रह दीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है थीटा में रह दीजिए साइन थीटा इज नियर अबाउट टू तो थीटा टेन थीटा में आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होने वाली है थीटा कर लो टेन थीटा मत ले आओ टेन थीटा बड़े बच्चों के लिए जब ज़्यादा दिक्कतें हों चलिए अब आ जाइए ये देखिए ये एंगल थीटा है है कि नहीं है और आपको पता है ये डिस्प्लेसमेंट कितना था बेटा वाई कितना था और ये भी एल और ये भी एल अब आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस तो यहां पर फिलहाल इस थीटा के लिए आर्क कितना दिख रहा है वाई दिख रहा है और रेडियस कितनी है एल कितनी है रेडियस एल सो एफ इक्वल टू माइनस एम इन टू जी और थीटा की जगह हो गया वाई अपॉन एल बोलो क्लियर है yes. तो ये बन गया माइनस एम जी वाई बाई एल तो एफ इक्वल्स टू माइनस एम जी वाई अपॉन एल बहुत काम की चीज नंबर वन देकर के इसको सुरक्षित कर दीजिए ये आ गया अपने पास फोर्स क्या आ गया बच्चों ये अपने पास फोर्स अब आ जाए ये न्यूटन साहब को याद करते हैं अब हम लोग न्यूटन साहब को याद कर लेते हैं न्यूटन साहब कहते हैं f इक्वल टू एम एन टू ए एफ इक्वल्स टू एम एन टू ए ये सेकेंड इक्वेशन बन गई अपने पास में तो फर्स्ट और सेकेंड को इक्वल कर लीजिए इक्वेट कर लीजिए बाई फर्स्ट सेकेंड एंड फर्स्ट एम ए इक्वल टू माइनस एम जी वाई अपॉन एल बोलिए क्लियर है बच्चों माइनस एम जी वाई अपॉन एल ठीक है yes, कि नहीं है सही चलिए एम जी वाई अपॉन एल यहाँ से एम से एम क्या हो गया okay. कैंसल हो गया ठीक है ना अब एस एच एम की कंडीशन लगा दीजिए तो यस मैं ड्यूरिंग एस एच एम ड्यूरिंग एस एच एम ओम यहां से लिखना बंद कर दो थोड़ा सा रुक जाओ ए इक्वल टू कितना होता है बच्चों माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है कि नहीं होता है अगर वाई डिस्प्लेसमेंट है तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई और यहाँ पे है माइनस ये है जी यहाँ पे है वाई और यहाँ पे कितना एल वाई से वाई क्या हो गया माइनस से माइनस क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ गया है जी बाई एल जी बाई एल तो ओमेगा इक्वल टू जी कितना एल क्लियर हो गया ओमेगा होता है टू पाई बाई टी इक्वल टू जी बाई एल का अंडर रूट क्लियर तो मैं क्या करूंगा पलटी मार दूंगा इसको तो क्या बन जाएगा टी अपॉन टू पाई टी अपॉन इक्वल टू अंडर रूट एल अपॉन जी एल अपॉन तो t इज इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट l बाई जी याद है ये डेरिवेशन जब मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया था यस और नो शुरुआती चैप्टर में मैंने बोला था t का डेरिवेशन बनाओ तो आप लोग कहते थे सर ये टू पाई कहाँ से आता है तो ये टू पाई यहाँ से आता है वहाँ पर t इज इक्वल टू टू पाई केवल आप लोग अंडर रूट एल बाई जी पढ़ते थे याद है तो t इज इक्वल्स टू तो टू पाई अंडर रूड एल बाई जी ये बनेंगे आपका टाइम पीरियड का डेरिवेशन अब आपसे पूछी जाए कि फ्रीक्वेंसी बता दो तो यू नो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू तो होती क्या वन अपॉन टाइम पीरियड वन अपॉन तो बस जैसे पल्टी मार दो भाई टू पाई ऊपर तो वन अपॉन टू पाई हो जाएगा और एल बाई जी के लिए कितना आएगा जी बाई एल क्लियर कि नॉट क्लियर क्लियर है ना बन जाएगा ना अब चलिए देखते हैं कि इस घड़ी को हम स्पेस में क्यों नहीं ले जा सकते हैं इस घड़ी को हम स्पेस में क्यों नहीं ले जा सकते हैं ठीक है इस घड़ी को आप स्पेस में यदि ले जाएंगे तो आपको पता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू आपने देखा है टू पाई अंडर रूट एल बाई जी टू पाई अंडर रूट एल बाई जी भैया स्पेस के अंदर सेटेलाइट के अंदर जी कितना होता है तो जी जीरो जी पुट कर देंगे तो टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जीरो एल अपॉन जीरो समथिंग अपॉन जीरो मतलब कितना हो गया इनफाइनाइट मतलब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा मतलब पेंडुलम की हालत क्या होगी पेंडुलम यहाँ से जाएगा और जैसे स्पेस में जाएगा तो ये यह टुई यहाँ पे लटक जाएगा फिर कभी वापस नहीं आएगा समझ गया ना क्योंकि ये फ्री हो जाएगा ग्रेविटी में लटका रहेगा आराम से क्लियर हो जाएगा इस पर फोर्स ही नहीं लगेगा जी नीचे की तरफ एम जी खत्म हो जाएगा भाई जी जीरो होता है तो यहाँ पे लटक जाएगा आकर के क्लियर है आ गया जी समझ में तो भाई साहब यहाँ पे ग्रेविटी फो इसमें फोर्स नहीं लगेगा है ना इसलिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इन्फानाइट कितना हो जाएगा टाइम पीरियड इन्फानाइट आगे की बात करते हैं आगे की बात करते हैं एक और बात करूंगा मैं आगे आपने देखा टी इज इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी अब देखते हैं गर्मी ठंडी का क्या होगा भैया जैसे गर्मी पड़ेगी जैसे गर्मी पड़ेगी तो आपको पता है कि लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर याद है yes, याद है ना तो भैया जैसे गर्मी पड़ती है तो लेंथ का एक्सपेंशन होता है मतलब लेंथ बढ़ेगी और लेंथ बढ़ेगी तो टाइम भी क्या होगा बढ़ेगा मतलब घड़ी क्या हो जाएगी स्लो हो जाएगी घड़ी क्या हो जाएगी स्लो हो जाएगी घड़ी सुस्त पड़ जाएगी क्योंकि लेंथ बढ़ जाएगी पेंडुलम की तो टाइम भी बढ़ जाएगा टाइम भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा आई बात समझ में ना मतलब आपके रियल के एक घंटे तो एक घंटे में ही हो रहे थे मगर इसकी लेंथ बढ़ने से इसके रियल के एक घंटे डेढ़ घंटे में होने लग गए बोलिए क्लियर तो आपका इसका टाइम क्या हो जाएगा स्लो हो जाएगा क्लियर अगला देखिए अगर ठंड पड़ेगी ठंड पड़ेगी तो लेंथ कम होगी मतलब टेम्परेचर कम होगा बोलो यस टेम्परेचर कम होगी तो लेंथ भी क्या होगी कम होगी लेंथ भी क्या होगी और लेंथ कम होगी तो टाइम भी क्या होगा और टाइम कम होगा तो घड़ी स्लो हो जाएगी कि फास्ट हो जाएगी बोलो अरे टाइम पर अरे कैसी बात करते हो भाई स्लो नहीं होगी फास्ट हो जाएगी क्या हो जाएगी फास्ट, फास्ट हो जाएगी टाइम पीरियड छोटा हो जाएगा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा एक्चुअल टाइम पीरियड घड़ी का था भैया चौबीस घंटे का बोलो हाँ ना और टाइम पीरियड छोटा होकर क्या हो गया अठारह घंटे का कितने का घंटे का हो गया अठारह घंटे का तो टाइम तो फास्ट नहीं हो गई घड़ी बड़ी बड़ी तेज चल रही है मतलब क्या हो गई फास्ट हो गई बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ तो घड़ी ऊपर स्लो हो गई और इधर नीचे क्या हो गई क्लियर हो गया तो भैया इसीलिए जो जो पेंडुलम क्लॉक होती है उनमें एक ऐसे मटेरियल का, तो का यूज़ किया जाता है इसके बॉब को बनाने के लिए जिसमें ज़्यादा बड़ा ना हो लेंथ बढ़ने गर्मी में लेंथ ना बढ़े और ठंडी में लेंथ छोटी ना हो तो उस एलवाई को बोलते हैं इनवार क्या बोलते हैं बच्चों इनवार मटेरियल का यूज़ किया जाता है जिससे कि लेंथ वही कॉन्स्टेंट रहती है मेरी बात आई समझ में तो फॉर्मूला फिर से रिकॉल करूंगा बच्चों टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एलापॉन जी एलापॉन जी, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम बोलो ठीक है फॉर्मूला फॉर पीरियोडिक टाइम ऑफ पेंडुलम क्लियर है बच्चों ओके yes. okay, डन देखिए बच्चों अब हम एक चीज और देखते हैं छोटी सी यहाँ पे फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी एल बाई जी तो एक कंट्रोल तो भाई साहब टेम टाइम पीरियड में वन अपॉन अंडर रूट जी का है मतलब ग्रेविटेशन एक्सलेशन का अगर आप ग्रेविटेशनल एक्सलेशन कम करते जाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा मतलब चांद में अगर घड़ी चलाओगे तो चांद में ग्रेविटी क्या होती है कम क्या होती ग्रेविटी तो वहाँ पर टाइम पीरियड बढ़ जाएगा मतलब टाइम ज़्यादा बताएगी घड़ी समझ में आ गया जी टाइम क्या बताएगी ज़्यादा बताएगी अच्छी बात है अब दूसरी चीज़ देखो भाई टी इज़ इक्वल टू डायरेक्ट टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूटेल टू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूटेल मतलब जितना पेंडुलम बॉब जितना बड़ा होगा पेंडुलम बॉब जितना बड़ा, बड़ा होगा उतना टाइम पीरियड होगा मतलब लेंथ आप जितनी बढ़ाते जाएंगे उसका टाइम पीरियड उतना ज्यादा होता जाएगा बढ़ता जाएगा लेंथ आप जितनी बढ़ाते जाएंगे टाइम पीरियड उतना बढ़ता जाएगा, जाएगा। अब देखो मजे की बात मस्त बात बता रहा हूं आपको दिल खुश हो जाएगा ये आपने पार्क में झूला देखा होगा झूला झूलने के एक्सपर्ट कृपया ध्यान दें पार्क में आपने झूला देखा होगा ये पटिया वाला या स्विंग वाला झूला समझ गए ना इस पे जो लोग घूमना बढ़िया खुद से चलाना चाहते हैं वो लोग क्या करते हैं वो इस पे खड़े हो जाते हैं क्या हो जाते हैं खड़े खड़े हो जाते हैं ये yes no? सोनो और बैठ जाते हैं तो जो लोग केवल खड़े रहेंगे उनका झूला जल्दी रुक जाएगा और जो लोग खड़े होकर के बैठ जाएंगे इसको गति दे करके है ना उनका झूला जो है देर तक चलेगा कहाँ तक चलेगा देर तक।, देर तक क्यों चलेगा भाई जब तुम खड़े हो तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास कहां पे है मतलब जो तुम्हारे पेंडुलम की जो इफेक्टिव लंबाई है वो कम हो गई क्या हो गई इफेक्टिव लंबाई कम हो गई और टी इज प्रपोर्शनल टू टी इज प्रपोर्शनल टू रूटेल तो एल कम हो चुका है मतलब तुम्हारा झूला जो है टाइम पीरियड कम हो जाएगा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा कम हो, कम हो जाएगा मतलब पहले छह सेकेंड में एक रोटेशन ले रहा था अब तीन सेकेंड में लेगा या पहले आठ सेकंड में एक पूरा चक्कर कर रहा था अब कितने मिलेगा तीन मिलेगा क्योंकि आपकी लेंथ कम हो गई है क्या हो गई आपकी लेंथ कम हो गई है अब आप इसी झूले में बैठ जाओ स्विंग दे करके क्या हो जाए बैठ जाओ ये देखिए आप बैठ गए हैं आपके पैर झूले हुए हैं समझ गए ना ये आप बैठे हुए हैं मुस्कुरा रहे हैं समझ गए ना ये आप बैठे हुए हैं अब देखिए आपकी यहां से लेंथ क्या हो गई बढ़ गई कि घट गई बताइए बढ़ गई अब लेंथ आपकी बढ़ गई है अब लेंथ बढ़ गई है तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा समझ गए ना इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके झूले लंबे लंबे स्विंग हो तो आप बैठ जाइए ठीक है ना आप बैठ जाएंगे तो लंबे लंबे स्विंग हो जाएंगे इसके क्लियर हो गया ना और खड़े होने में आपको स्विंग उतने बड़े नहीं होंगे क्लियर हो गया yes, बन जाएगा ना yes, तो ये एक किसका कंसेप्ट है टी इज प्रपोर्शनल टू रूट टी इज प्रपोर्शनल टू रूट का, डन देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आया है राइट द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम

यूज इन दैटेलाइट नो मैंने बताया था कि इज़ इक्वल टू होता है टू पाई अंडर एल बाई जी सेटेलाइट के अंदर जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इन्फानिट मतलब जो जाएगा कभी लौट के आएगा यानी इन द प्लेस ऑफ पेंडलम क्लॉक मैंने कौन सी क्लॉक यूज करने को बोली स्प्रिंग क्लॉक यूज करिए क्लियर हो गया स्प्रिंग क्लॉक यूज करिए ठीक है अगला ऊपर दिया गया है क्या दीजिए द पेंडलम क्लॉक बिकम्स फास्ट वेन इट इज टेकन प्लोल टू इक्वेटर भाई वाई पेंडलम क्लॉक जो होती है फास्ट हो जाती है जब इसको पोल से लेके इक्वेटर लिया जाता है तो आपको पता है कि ग्रेविटी पोल पर जो होती है ज़्यादा होती बोले हाँ और इक्वेटर पर क्या होती है कम होती, कम होती तो ग्रेविटी बढ़ जाएगी ग्रेविटी क्या हो जाएगी तो भैया जी बढ़ेगा तो टी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा。तो टम कम हो गया टाइम पीरियड मतलब फास्ट हो गए कि स्लो हो गए फास्ट हो गए ना पहले तुम किसी चैप्टर को तीन घंटे में पढ़ पाते थे अब उसी चैप्टर को तुम दो घंटे में पढ़ पा रहे हो तो तुम फास्ट हो गए कि स्लो हो गए फास्ट हो गए बिल्कुल सही क्लियर हो गया ये लो भाई साहब बॉय इज स्विंगिंग सिटिंग ऑन अ स्विंग अनादर इज सिट्स बिहाइंड हिम वॉट विल हैपन टू द टाइम पीरियड हम इज स्विंगिंग सिटिंग ऑन अ स्विंग एंड अनदर इज सिट्स बिहाइंड हिम वट इज अरे भैया दोनों बराबर बैठे हुए हैं चाहे एक पतला हो दुबला गेंडा दूसरा वाला गेंडा हो मास पे डिपेंड करता ही नहीं है बोलो हाँ हाँ तुम कहते कि अगर भैया एक खड़ा हुआ है एक बैठा हुआ है तो बात अलग रहती है समझ गए ना मगर एक मोटू है एक पतलू है तो मास पे तो डिपेंड करते नहीं है टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर उट एल अपऑन जी मास का कहीं फैक्टर ही नहीं है समझ गया ना तो चाहे दुबला पतला बैठा हो या कोई गेंडा भी बैठा हो फर्क पड़ने वाला नहीं है समझ में आ गया अगला रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीकवेंसी ये देखिए भाई फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड समझ गया ना फ्रिक्वेंसी इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड टाइम पीरियड ऑफ द सस्पेंडस स्प्रिंग का मोशन ये लो भाई सिंपल क्वेश्चन ठीक है टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रुट एम बाई क्लियर है एकदम हाँ ये देखिए अगला व्हाट इज सेकेंड पेंडुलटलो भी दो सेकेंड कितना हो दो सेकंड ऐसे तो पेंडुलम को बोलते हैं लोग सेकेंड पेंडुलम क्या बोलते हैं ऐसे पेंडुलम, पेंडुलम को सेकेंड पेंडुलम ऐसा टाइम ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड दो सेकेंड हो समझ गया ना मतलब ये देखो यहां से यहां जाएगा एक सेकेंड और वापस आएगा तो फिर एक सेकेंड टोटल हो गया कितने दो सेकेंड तो ऐसे टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी पेंडुलम क्या बोलते हैं सेकेंडरी पेंडुलम या सेकेंड पेंडुलम बोलते हैं क्लियर हो गया अब फॉर्मुले में रख दो टी की जगह टू तो टू इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी बोलिए हाँ टू से टू क्या हो गया स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा देखो इधर पे स्क्वायर कर देंगे तो वन इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट के बाहर एल बाई कितना जी क्लियर है एल निकाल लीजिए तो एल जो है एल को छोड़ देंगे यहाँ तो जी ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे एल को छोड़ दिया तो जी ऊपर आ गया और नीचे आ गया पाई स्क्वायर तो जो लेंथ होती है बच्चों सेकेंडरी पेंडलम की कितनी होती है जी अपॉन पाई, पाई स्क्वायर समझ में आ गया ठीक है ना तो इसकी वेल इसकी जो लेंथ होती है वो होती है जी अपॉन पाई स्क्वायर मैं आपको अच्छी बात बता दूँ जी से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाता तो इसकी लेंथ लगभग आती है वन मीटर कितनी आती है वन मीटर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं

ये था टाइम पीरियड क्या था ये? और इसका उल्टा कर दो फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी L. L. तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू अपॉन पाई फिलहाल जी की जगह क्या पुट कर दोगे जीरो क्या पुट कर दोगे? तो अपॉन टू पाई ये जीरो बटेल मतलब सब कुछ कितना हो गया जीरो करेक्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना जीरो याद आ गया समझ में ठीक है ना जी हाँ ठीक है बच्चों तो अब ये आपके बाकी के क्वेश्चंस हैं डिफाइन सिंपल पेंडलॉम आप जानते होंगे है ना द एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिंपल पार्टी पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम एट वॉट पोजिशन पार्टिकल एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम तो मैंने बताया था एक्सलेशन मैक्सम जहां पे फोर्स मैक्सिमम होता है यहाँ पे किनारे पर तो इन पोजीशन को एक को बोलते हैं वाई इक्वल टू प्लस ए और इसको बोलते हैं वाई इक्वल टू माइनस है इनको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं तो एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का एक्सलेशन ज्यादा होगा और एक्सलेशन ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा ज्यादा ठीक yes. है डिफाइन सिंपल पेंडुलम वेर अ हैवी पॉइंट मास इज सस्पेंडेड बाई अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल वेटलेस का मतलब जिसका कोई मास न हो इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये नहीं कि खिंच जाए एक्सटेंडेड ना हो है ना एंड परफेक्टली फ्लेक्सीबल स्ट्रिंग वाई ए रिजिट सपोर्ट देन इट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम सो गाइज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है अब आप लोग इसको करिएगा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका आपका चैप्टर हाँ एक और चीज बता देता हूं मैं हाँ राइट राइट द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन यार पीरियोडिक मोशन मतलब जो अपने आपको बार बार रिपीट करता है मैंने पहली क्लास में पहली लाइन यही बताई थी आज की क्लास में इस चैप्टर की ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन इट कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन जो फंक्शन बार बार अपने आपको रिपीट करते हैं जैसे एस एच एम देखा आपने हाँ है ना ये चक्कर हो गया पूरा फिर से रिपीट करा तो इसको बोलते हैं अपन कौन सा मोशन ऑसिलेटरी मोशन इसी को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन याद ऐसा है मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्ट में याद करिएगा कि पीरियोडिक मोशन के दो टाइप मैंने बताया था आपके पीरियोडिक मोशन के दो टाइप एक बताया था सर्कुलर मोशन क्या बताया था Characоп! और एक बताया था ऑसिलेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन में फर्क क्या होता है टू एन फ्रो टाइप का होता है किसका तो है टू एन आप देखिए याद रखिएगा जैसे सर्कुलर मोशन है ये एक टाइम पीरियड के बाद फिर से अपने आप को रिपीट करेगा जैसे अर्थ है तीन सौ देश के बाद फिर से वहीं पर होती जहां से चली थी बोलो ना अगले तीन सौ देश के बाद फिर से वहीं रिपीट होगी क्लियर है ना yes. तो मैं कहूंगा कि अगर कोई फंक्शन है f अगर कोई फंक्शन है x. f उसकी कोई पोजीशन है x कोई पोजीशन है क्या x, x तो अगर मैं उसमें तीन सौ पैंसठ दिन यानी इसका टाइम पीरियड जोड़ दूं तो फिर से वो एफ एक्स पे ही आ जाएगा आ जाएगा ना yes. आएगा कि नहीं आएगा मान लो किसी पोजीशन एक्स पे है और मैं उसको मैं उसका टाइम पीरियड जोड़ दिया तो फिर से किस पे आ जाएगा एफ एक्स पे आ जाएगा तो ये पहचान है किसकी रोटेटरी मोशन की कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ टी और उसमें अगर आप कैपिटल टी ऐड कर रहे हैं जो कि उसका टाइम पीरियड है तो फिर से वो एफ टी पे ही पहुंच जाएगा मैंने एक्स लेके बताया अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ स्मॉल टी ओके अगर आप उसमें कैपिटल टी उसका टाइम पीरियड ऐड कर देंगे तो फिर से कहां पर पहुंचेगा वो एफ स्मॉल टी पे समझ में आया कि नहीं आया क्लियर हो गया और मेरे बच्चों एक टाइम पीरियड नहीं चाहे आप दो टाइम पीरियड तीन टाइम पीरियड चार टाइम पीरियड चाहे कितने भी चक्कर लगा लो रहोगे वहीं पे भाई समझ गए ना yes. F स्मॉल T क्लियर yes. हो गया yes. तो बच्चों ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन का फॉर्मूला पीरियोडिक फंक्शन का फॉर्मूला F स्मॉल T इक्वल टू एफ स्मॉल T प्लस कैपिटल T व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन द पीरियोडिक फंक्शन आर फंक्शन विच रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल जो एक टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को फिर से रिपीट करते हैं yes, ठीक है ना? Yes, ना? Yes, ना ठीक है न पतझड़ सावन बसंत बहार साल में है मौसम चार।, चार ठीक है तो इसको बार बार रिपीट होते रहते हैं चलिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद आज की क्लास के लिए इतना ही कल बच्चों हम पढ़ेंगे आपके साथ में क्या एनर्जी क्या पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है और फिर हम दोनों एनर्जी को ऐड कर देंगे तो कल हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल एनर्जी डन गाइज थैंक यू सो मच